हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिशा स्टाइल। तो दोस्तों, आज मैं ऑक्सीग्लो फेयरनेस क्रीम का रिव्यू करूंगी। तो दोस्तों, ये एक फेयरनेस क्रीम है, तो इसको आप लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हो। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है सैफ्रन और लिकोराइस। लिकोराइस आप सब जानते हैं, उसमें बहुत सारे बेनिफिट है, सैफ्रन में भी बेनिफिट है। तो ये 60 ग्राम के पैक में आता है। इसका प्राइस है 135 रुपीज़। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाएगा। इस क्रीम में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है और नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट भी है, जो कि आपकी स्किन सेल को रिन्यूअल करेगा। इसमें SPF 15 भी है, आप इसको डे टाइम भी यूज कर सकते हो। इसकी कंपनी क्लेम करता है कि ये आपको एजिंग जो साइन होता है उसको ये कम करेगा, आपकी डार्क स्पॉट को फेड करेगा, स्कार को भी फेड करेगा, आपकी स्किन टोन को ब्राइट करेगा, अगर आपकी स्किन डल हो गया हो उस पर भी ये ग्लो ला देगा। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के अलावा इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है। तो दोस्तों, इसमें सैफ्रन एक्स्ट्रैक्ट, ग्लिसरीन और लिकोरिस एक्स्ट्रैक्ट का यूज़ हुआ है। सैफ्रन का काम होता है स्किन टोन को ब्राइटन एंड लाइटन करना। इस सैफ्रन में हीलिंग एजेंट होता है। अगर आपको एक्नी पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो सैफ्रन बहुत अच्छे से इसको ट्रीट करता है। लिकोरिस एक्स्ट्रैक्ट भी है। लिकोरिस एक्स्ट्रैक्ट का काम है हाइपर पिगमेंटेशन को कम करना, सन डैमेज जो हो जाता है स्किन में उसको ट्रीट करना, अगर डार्क स्पॉट है उसको फेड करना, आपकी जो ऊन्स होता है वक और कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये अच्छे से ट्रीट करता है। अब इसको यूज करने के तरीका के बारे में बात करेंगे। अगर आप दिन में बाहर जाते हो धूप में तो आप अलग से SPF जरूर यूज़ करें, क्योंकि इसमें बस SPF 15 ही है। आप घर में रहते हो तो उसके लिए ठीक है, पर बाहर जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा SPF का ज़रूरत है। पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद टोनिंग करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ टोनर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसी भी ब्रांड का टोनर आप यूज कर सकते हो, पर नेचुरल टोनर ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको लार्ज पोर्स का प्रॉब्लम है तो क्यूकुम्बर टोनर जरूर यूज़ करें, आपको ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, टोनर के बाद इसको आप लगाइएगा इस क्रीम को। ज़्यादा नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में आपको लेना है, अच्छे से अपने फेस में स्प्रेड करना। ये अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो जाता है, ये ज़्यादा ऑयली नहीं होता है या ज़्यादा ड्राई आपको नहीं देगा, एक मैट फिनिश देगा। तो ये सच में क्या आपके स्किन टोन को गोरा करेगा, अब इस बात पे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये एक फेयरनेस क्रीम है। अगर आपकी स्किन डल हो गया हो, ये आपको और कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर ये वर्क करेगा, पर आपके जो गोरा नहीं करेगा, ये बस आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग करेगा, पर ये गोरा नहीं करेगा। अगर आप डेली फेयरनेस क्रीम की तलाश में हैं तो इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा।